ओला या उबर, रीबॉक या नाइकी, फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम, चौंकिए मत, एक आम इंसान भी रोजमर्रा की जिंदगी में एटलीस्ट 100 ट्रेडमार्क्स देखता है। जी हाँ, एटलीस्ट 100। तो आप जिस भी मोबाइल या लैपटॉप से इस वीडियो को देख रहे हैं, नमक, नींबू, इलायची, जो भी टूथपेस्ट आपने यूज किया है, इन सभी के पास ट्रेडमार्क्स हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, वो क्या काम करता है एंड व्हाई शुड यू रजिस्टर इट। तो कोई भी वर्ड, डिजाइन, लोगो, सिंबल या इन सभी का कॉम्बिनेशन, ये सारी ही चीजें ट्रेडमार्क हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडमार्क कैसे यूज किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट ईयर की बात है, मैं और मेरे कुछ दोस्त पहुंच गए दिल्ली इंटर्नशिप के लिए। हम सभी को चांदनी चौक के उस पराठे वाले के पास जाना था जिसकी हमने इतनी तारीफ सुनी थी। तो जोमैटो अगर तो तब इतना फेमस था नहीं। पहुंच गए हम चांदनी चौक के पराठे वाली गली और वहां पहुंच के देखते हैं कि 10 से 15 ऐसे ढाबे हैं जो सारे के सारे ओरिजिनल होने का दावा करते हैं और सारों का ऑलमोस्ट सिमिलर नाम था। कभी हम एक ढाबा ट्राई करते, कभी दूसरा। अगर उस ओरिजिनल पराठे वाले ने अपना नाम ट्रेडमार्क करवा लिया होता तो हम पहुंच जाते उसके पास और खा भी लेते उनके पराठे। पर ऐसा ना करने की वजह से उस ओरिजिनल पराठे वाले की गुडविल का फायदा उठाते हुए बाकी सारे ढाबे वालों ने भी अपना नाम ऑलमोस्ट सिमिलर या कंफ्यूजिंग टोन पे रख लिया। तो ट्रेडमार्क आपके द्वारा बनाए गए गुड्स और सर्विसेज से इस तरीके से रिलेट हो जाता है कि वो ट्रेडमार्क ही आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। समझिए कि आप नॉर्मल बिजनेसमैन हैं और आप शर्ट्स बनाते हैं। तो मैंने वो शर्ट खरीदी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अपने दोस्त को भी वो रिकमेंड की। बोली, यार ये शर्ट बहुत अच्छी है, तुझे भी लेनी चाहिए। उसने देखा कि वो कोई पर्टिकुलर XYZ ब्रांड की है। वो दूसरी दुकान जाती है और वहां पे भी उसे वो ब्रांड मिल जाता है। हालांकि वो ब्रांड आपका नहीं है, पर आपकी शर्ट की क्वालिटी का फायदा कोई और दुकानदार भी उठा रहा है। यही अगर आपने अपना नाम को ट्रेडमार्क करवा लिया होता तो कोई दूसरा इंसान आपकी क्वालिटी का फायदा नहीं उठा पाता। अगर कोई रायपुर आता है तो हम कहते हैं, यार श्रीनाथ की पाव भाजी तो जरूर खाना। वो जाता है और देखता है कि रायपुर में टोटल 50 पाव भाजी वाले होंगे जो श्रीनाथ नाम यूज करते हैं। तो जो ओरिजिनल पाव भाजी वाला है उससे उसका पोटेंशियल कस्टमर छूट जाता है। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कंज्यूमरिज्म की इस दुनिया में हर चीज बिकती है। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग करना, उसका प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है। पर अगर आप ही का नाम 10 और लोग यूज कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट कैसे करेगा? इसलिए ट्रेडमार्क जरूरी होते हैं ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू को, आपकी गुडविल को कोई और यूज ना कर सके। अब ट्रेडमार्क को लेके ये कंफ्यूजन होता है कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी मैं अपना ट्रेडमार्क यूज कर सकती हूँ या नहीं। समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। समझिए कि मैंने ये बॉटल बनाई और उसे बेचना स्टार्ट किया XXX ब्रांड नेम से, तो मैं ये कह सकती हूँ कि XXX मेरा ट्रेडमार्क है। जी हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फायदे होते हैं? चलिए जानते हैं। तो मैंने ये बॉटल बनाई, उसे XXX नाम दिया और उसे बेचना शुरू कर दिया। मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करवाया था, बस बेचना शुरू कर दिया। थोड़े ही महीनों में रायपुर और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग इस बॉटल को यूज करने लगे। वो इस ट्रेड नेम को अच्छी तरीके से जान गए थे। राजस्थान के एक मैन्युफैक्चरर ने सोचा, मैं भी एक ऐसी बॉटल बनाता हूँ, कलर और शेप थोड़ा चेंज कर दूंगा पर सेम नेम से बेचना शुरू करता हूँ। अब वो बॉटल राजस्थान में बहुत फेमस हो गई और मुझे ये पता चलता है। इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिर्फ अपने ही ज्योग्राफिकल एरिया में प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अगर मुझे उस राजस्थान के मैन्युफैक्चरर को रोकना है मेरा ट्रेडमार्क यूज करने के लिए, तो मुझे बहुत सारे प्रूफ फर्निश करने पड़ेंगे। पहला, कोर्ट में ये प्रूफ करूंगी कि वो जो ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं और जो मेरा ट्रेडमार्क है वो बहुत ही सिमिलर और कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सेकंड, मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मेरा ट्रेडमार्क है वो उस ज्योग्राफिकल एरिया में भी बहुत अच्छे से तरीके से जाना जाता है और लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये ट्रेडमार्क उनका है या मेरा। तो अगर आप कोई स्टार्टअप है या आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाना अभी अभी ही स्टार्ट किया है, तो थोड़ी चिंता की बात यह है कि आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि उस एरिया के लोग भी आपको जानते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। अब ये देखते हैं कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला एडवांटेज, अगर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है तो पूरे इंडिया में तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ ही बहुत सारी अलग कंट्रीज है
वहां पे भी आपको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन एक जगह पर प्रोटेक्शन बहुत जगह। सेकेंड एडवांटेज है ओनरशिप का। अगर मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया तो उसे सिर्फ मैं यूज कर सकती हूँ। साथ ही साथ मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि उससे मिलते जुलते, उससे डिसेप्टिव, उससे कंफ्यूजिंग नेम भी रजिस्टर ना हो। तो अगर बाटा एक रजिस्टर्ड फुटवेयर ब्रांड है तो उसमें थोड़ा हेरा फेरी करके एक नया फुटवेयर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। थर्ड एडवांटेज है पॉपुलैरिटी का। अगर मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया होता और राजस्थान में भी कोई सेम नेम यूज़ कर रहा है तो कोर्ट मुझे बस ये प्रूव करना है कि वो मेरे जैसा ही नेम यूज़ कर रहे हैं या फिर कंफ्यूजिंग नेम यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि उस ज्योग्राफिकल एरिया में मुझे अच्छे से जाना जाता है, तो आपका ये बर्डन कम हो जाता। इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, बट देयर सर्टेन एडवांटेजेस जो सिर्फ उनको मिलते हैं जिन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हो। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कोई उसके जैसा ही ट्रेडमार्क यूज कर रहा हो तो कोर्ट में आपको बस ये प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्रेडमार्क है ये मुझसे मिलता जुलता है। That's it. आपको ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि उस एरिया में भी आपको लोग जानते हैं, उस एरिया में भी आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। ये सारी चीजों को प्रूव करने का आप पे कोई बर्डन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखी तीन चीजें। पहला, ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम, सिंबल या लोगो नहीं होता, ये आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होता है। दूसरा, ट्रेडमार्क आपके बिजनेस प्रमोशन प्लस प्रोटेक्शन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरी चीज, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, पर बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन फीस देके आप इतने सारे एडवांटेजेस पा लेते हैं जो अगर आप रजिस्ट्रेशन ना कराए तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप कोई स्टार्टअप है या आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहिए। ये आपके लिए लॉन्ग रन में फायदेमंद रहेगा। आई होप ट्रेडमार्क का ये वीडियो आपको क्लियर होगा। अगर ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को लेके आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो बेफिक्र होके कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव येट सिंपल वीडियोज आपके लिए लाते रहूं हर। That's it for now. See you in the next video. Bye-bye.